सुनो, मुझे ठेले वाली चाउमीन खाना है। ठेले वाली चाउमीन? आ तो चल चल, ठेले पर नहीं जाऊंगी मैं। तो तुम यही घर पर बना के खिलाओ ना मुझे। अच्छा, अगर आपकी पत्नी भी एनी टाइम अगर ठेले वाली चाउमीन खाने की अगर डिमांड कर दे, और तो ठेले वाला स्वाद है ना पाई अपने घर पर, और आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये वीडियो है घर पर कैसे बनाए ठेले वाली चाउमीन और अपनी बीवी को करे खुश। चलिए बनाते, पहले है ना सीखियो। सीखो? हाँ, तो चलिए हम बनाते हैं और आप लोग देखिए। यहाँ पर हमने गैस चालू कर दी, गैस पे चढ़ा दिया बर्तन और उसमें डाल दिया पानी, और उसमें उबालेंगे हम चाउमीन। और चाउमीन हमने डाल दिया, हल्का गुनगुना सा पानी हो गया है। अब उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सरसों का तेल, आप रिफाइंड तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाउमीन हमारी अच्छी सी उबल गई है 5 से 6 मिनट में। अब चाउमीन को हमने निकाल लिया, उसमें डाल दिया ठंडा पानी, आप भी ऐसे धोइएगा। और हमने यहाँ पर लिए कुछ वेजिटेबल्स, और साथ में हमने यहाँ पर लिए कुछ वेजिटेबल्स। सबसे पहले हमने प्याज ली हुई है, उसके बाद हमने हरी मिर्च, एक शिमला मिर्च लिया हुआ, धनिया पत्ता लिया हुआ, पत्ता गोभी लिया हुआ, इन सबको हमने रफली काट लिया है। एक बड़ा टमाटर, उसको भी काट लिया है। फिर उसके बाद हमने कढ़ाई चढ़ा दी गैस पर। सरसों का तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रिफाइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज हमने डाल दिया है, और साथ ही साथ डाल दी हमने हरी मिर्च, शिमला मिर्च, उनको काफ़ी अच्छे से हम भुनेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने भुनाई चालू कर दी है, और बहुत ज़्यादा हमें। फिर उसके बाद डाला हमने पत्ता गोभी, और इन सबको हमने बिल्कुल हाई फ्लेम पर सौते कर लेना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर, गैस की फ्लेम हाई होना चाहिए। इन सबको हमें सौते करना है, बहुत ज़्यादा इनको गोल्डन फ्राई नहीं करना है, तेज़ आंच पर सौते कर लेना है। काफ़ी अच्छे से हमने हमारी जो पत्ता गोभी उसको सौता कर लिया है। अब चाउमीन को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इस समय हमें डालना है विनेगर। विनेगर बहुत से लोग चाउमीन डालने के बाद डालते हैं, जी नहीं, हम पहले डालेंगे। फिर हमने चाउमीन डाल दी, अब चाउमीन डालने के बाद चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे हम डार्क सोया सॉस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, और कुटी हुई काली मिर्ची, और यहाँ पर हमने लाल मिर्ची डाली है स्वाद अनुसार, नमक हमने स्वाद अनुसार डाला है, और साथ ही साथ डाल देंगे हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के गरम मसाला। गरम मसाले से आप विश्वास कीजिए बहुत ही आपकी जो चाउमीन है ना बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। उन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिया। चाउमीन बनने के बाद हमने 1 बड़ा टमाटर जिसको बारीक काटा हुआ था, और धनिया भी डाल दिया। अब देखिए कितनी शानदार आपकी चाउमीन लग रही है देखने में, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, आपके मुँह से निकले क्या चाउमीन बनी है। और चाउमीन बन के हमारी तैयार हो चुकी है। सबसे पहले हमारी परी टेस्ट करेगी, फिर उसके बाद टेस्ट की हमारी बेबो ने, फिर हमारे बेटू ने उसके बाद टेस्ट की, और वाह यार। अब इसके बाद खा रही हमारी मैडम, और मैडम का तरीका बिल्कुल नया है, और उन्होंने एक देखिए एक नया ही तरीका निकाला, और उनके मुंह से निकला वाह। चाहे चाउमीन कैसे ही बनी हो, जस्ट लुकिंग लाइक अ